दिल भी वे बाबा तीन में दूरे मैं लग दी मैं ताकी खो दे जब देखा दो मैं ताकी डांडे नी था मैं दो आँखों में पानी किले भी वे बाबा तीन में दूरे मैं लग दी मैं ताकी खो दे। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संजय राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे आप लोग, आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी सही से हूँ। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने खूबसूरत गाँव जोगोर से। तो अभी सुबह की 6:30 हो चुकी है और सुबह सुबह आज जो हमारी दिनचर्या है ये देख सकते हैं, ऐसे जूड़े लगा रखे हैं, रस्से लगा रखे हैं हमने कमर पे और हम जा रहे हैं घास के लिए। और इधर देखिए ये है हमारी खेत में जाने की सामग्री, इसमें हमारा है खाना पीना का सामान और ये रहा मेरा फ़ोन और ये मेरी बोतल और दो दरांती और ये प्रांजलि की स्वेटी। तो आज प्रांजलि भी आ रहे हैं और प्रांजलि का हमेशा रहता है स्कूल यूनिफॉर्म वाला लुक। तो आज दिखा लूँ मैं इसको घसेरी लुक कैसा है, ये देखिए ये देखिए इसकी कमरे भी सज चुकी है। और चलो अब चलते हैं, इसका दरांती और सोजटी वगैरह रेडी हो चुका है। मैं तो थुल भी ऐसे खाने पोटिल के ना इसमें हमारी रोटी। तो आजकल प्रांजलि की छुट्टी पड़ रखी है और प्रांजलि भी मेरे साथ हेल्प करेगी, घास लेने आएगी क्योंकि बहुत ही दूर जाना है हमने घास के लिए। चल जिसको बोला था मैंने ये जैकेट मेरे को दे दे, आजकल घास पे ना कुमर लगते हैं तो ये मना कर रहे हैं भाई। तो इसकी छुट्टी है तो थोड़ा इसका फ़ायदा उठा रही हूँ, काफ़ी दूर जाना है ना तो वहाँ से वो दो चार पुली लेके भी आएगी तो मेरे लिए थोड़ा हल्का हो जाएगा। और अब एक दो दिन में लोग गोबर डालने की तैयारी भी करते हैं शुरू। और इधर दिखा लूँ मैं, आजकल देख सकते हैं सारे लोग ना इधर हल लगाने पे लगे हुए हैं क्योंकि आजकल हो रहा है हमारे पहाड़ों में हल लगाने का काम। और कुछ ही दिनों में ज़ोर शोर से लोग ना गोबर डालना शुरू कर देंगे और उसके बाद होगी यहाँ पे गेहूँ की बुताई। और अभी देखिए धूप ऊपर मणगू गांव के ऊपर आ चुकी है। तो इधर देखिए ये हैं मुर्गी, तो यहाँ पर चराने के लिए छोड़ रखे हैं। और कह गए ना दो ही कुकड़े हैं यहाँ पे। मम्मी ये देखिए आज अक्षिता भी आ रही है, अक्षिता के पास तीन डंडे हैं। अक्षिता क्या कहता कचिन से यो भाई तेन भी हाँ भाई निकू भी छोर मैं भी आऊँ मैन बोलना अनाव को नाव तेन कल फोन मांग छू बस। ये देखिए बच्चों की छुट्टियों में कुछ इस तरह से बच्चों का फायदा उठा रहे हैं। तो अक्षिता तुमड़ी भी आ गई आज घास लेने, कहीं आप लेने अक्षिता तेन एक चीज तक ब्याह छे पुआ ले बल भाई मैं ब्याह छे पुआ ही आज अच्छा। तो ये हैं पहाड़ की लड़कियाँ बहुत बहादुर। ये देखिए ये हैं हमारे गांव के बड़े बड़े से खेत जिनमें हल लग चुका है और हमको इधर से जाना है सड़क के रास्ते होते हुए। खाने सामग्री भी लें ठीक है, लें खाना प्रांजलि रोटी भी धोरी टिफन पर आज जरूर अच्छी तरह बोल रोटी ले आओ चोरी चोरी चल चल काला जी मैं हरे हरे जी तो पर देखी के तो दांस लाना जूम के लेने मम्मी ने नानी। यो ये देखे कितना बड़ा कद्दू लगा है, अब घर जाते समय लेके जाएंगे हम इसको। रोटी पानी बड़े ले अब हम घर में पानी जो मेरे अब जवर करा तो अभी तो रहा। तो अब हम पहुंच चुके हैं वहां जहां हमको जाना है, घाट बोलते हैं ना यहाँ के लिए। और सारा इधर बंजर बंजर
खेत हैं, क्योंकि काफी ज्यादा टूट फूट इधर हो रखे ना, उसकी वजह से हमने यहाँ पे बंजर रखे हुए हैं। और दिखा लो मैं कैसे हालत है यहाँ, ये देखे सामने से पूरा टूट रखा है। और रास्ता भी यहाँ ढंग का नया जाने के लिए देखे, ऐसे पथरीला रास्ता है यहाँ। तो यहाँ जाना है हमको घाट वाले रास्ते में, देखे कैसा रास्ता है इधर। ये आराम से चले हुआ कैसा है दोस्तों इधर। फिर की माँ बोल रहे अच्छा, चल। तो ये देखे कुछ इस तरह से टूट गया इधर। ये बटा बंदी आखा बुआ, ये देखे अगर थोड़ा सा भी नज़र हट गई ना इधर, बेटा चले गए हम नीचे सीधे, देखा। और ये सामने से है हमारे गांव की रोड, ये देखे रोड तक भी पूरी दरारें जा चुकी हैं। बच्चे लोग तो चले गए आगे, और मैं इधर ना थर थर कर रही हूँ, कमर दर्द भी हो गया मेरा आजकल बहुत ही ज़्यादा। चलते चलते पाँव टूट गया। के को तेरू एक चीज है, केक पाँव टूट गया मेरा। और इधर नीचे देख सकते हैं कितने सारे पौधे लगा रखे हैं ये पूरे कृषि विभाग वालों ने, ये देखिए। तो अभी हम डाउन जा रहे हैं, खाली खाली जा रहे हैं, लेकिन जब ऊपर आएंगे ना भारी में दगड़ा हालत खराब हो जाती है भाई ऊपर आने में। अभी हम खाली जा रहे हैं, मन करता है कि यहीं पे लुढ़क जाना था नीचे, ऐसे हालत ख़राब होती है। और ऊपर दिखाई दे रहा है कहीं गांव का नामो निशान नहीं है ना रास्ते का, क्या करें। किस्मत ही हमारी घास काटने की है भाई, काश पढ़ते लिखते कुछ बनते, ऐसे बंजर खेतों का घास तो नहीं काटते। दत लगे अरे बोले बोले। तो अभी यहाँ पे पानी बोतल नहीं तुम्हारे नहीं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा द्रांति तेज कर रहे हैं, हमें तो थोड़ी पे बहुत तेज है। इधर सामने से देख सकते हैं कितना भयंकर भूड़ है भाई इधर देखिए। और ऐसी जगह आ रखे हैं हम घास के लिए, इधर ना सुअर और भालू इतने ज़्यादा रहते हैं ना, बाघ वगैरह हमेशा इधर, बाघ प्रतिदिन गाय को मारते रहते हैं भाई जो इधर चराने के लिए छोड़ते हैं ना, तो बहुत ही डर है इधर आजकल, पता नहीं चल रहा है बाघ का कब हमला कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले बस केदार में भी एक लड़की थे ना, ऐसे खेत में जा रखी थी तो बाघ ने हमला कर दिया, इसीलिए संभल के जाना पड़ता है भाई ऐसे घना गोर। देखे कैसे जंगल है इधर चारों तरफ, देखे तो ये देखे यहाँ पे एक चिता ला के आए है घेरे, कितने लाल पक रखे हैं भाई। जब हम बचपन में गाय के साथ जाते थे ना, फुल बोतल भर भर के लाते थे और तब जाके खाते थे एक जगह पे इकट्ठा बैठ के। बहुत ही मीठे हो रहे हैं, आहा सेब के जैसे टेस्ट होता है इसका। इस किसने खाए जंगल में घंगरे। दिल बीवे बाबा तीन में दूरे मी लग दी मिता की खोदे, जब देखा दो मिता की डांडी नी थमे दो आँखों माँ पानी, किल बीवे बाबा तीन में दूरे मैं लग दी मिता की खुदे, जब देखा दो मिता की डांडी नी थमे दो आँखों माँ पानी।
वे मुल्क गुगुती ना हिलास नी खिलदा डांडियो बुरास वे मुल्क गुगुती ना हिलास नी खिलदा डांडियो बुरास किले भी वे बाबा तीन में दूरे मैं लग दी मैं ते की खुद जब देखा दू मैं ताकी डांडी नी था मैं दो आँखों में पानी वे मुलुक बेटी नी बीवाने हर सूखा डांडा रुखोच पानी वे मुलुक बेटी नी बीवाणी रूखा डांडा सुखोच पानी किले बीवे बाबा तीन में दूरे मैं लग दी मैं ताकी खुद जब देख दो मैं ताकी डांडी नी था मैं दो आँखों में पानी नी था मैं दो आँखों में पानी। तो हमने ला रखे है यहाँ रोटी और भारी देखे इधर लाइन पे डाल रखे और टाइम 10 बज गए है और पता ही नहीं चला यार, घास भी नहीं हुआ और ऐसे यहाँ पे ना पूरा कनाल वगैरह काटते काटते 10 बज गए। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ए महाराज ये तो हम धान है अचार में ला रखी रोटी, हाथ भी नहीं धोए तो पहाड़ में ना गंदे हाथों का स्वाद ही कुछ अलग है। एक जितर ले खुराक लगी थी बुन गंदा हाथों स्वाद आता है इनके अले ओ ले प्रांजल भाई चलो। तो आज टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है, 11:30 हो गई है क्योंकि वहाँ से आते आते ना टाइम का पता भी नहीं चलता है। और अब मैं जा रही हूँ गोबर लेके घर, तो एक कंडी में गोबर लेके जाऊंगी अपने जो किचन गार्डन है सगड़े में। तो आजकल ना अब लोग, मैंने बताया था आपको कि गोबर भी डालने लग गए हैं, तो मैं जा रही हूँ नीचे वाली गौशाला, तो वहाँ से लेके जाऊंगी एक कंडी गोबर। और जो हमारा किचन गार्डन है वहाँ पे राई लहसुन वगैरह भुना है। तो चलो तो इधर जाना है मैंने गोबर के लिए, लेकिन इधर रास्ते में भाई सांप का भी डर रहता है, संभल के जाना पड़ेगा भाई। जरा रे गोबर जरा भी रोलन लग गया रोल घर आते समय ना श्रीनगर से खाली डिब्बा लाना, 5 लीटर पेट्रोल भी लाओगे तो ले चले। तो देखे भाई गोबर डालने की तैयारी शुरू हो चुकी है, छुट्टियों में फायदा उठा रहे हैं भाई। कहाँ मैं पकड़ू, मैं तेल लेकर ना।